जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, गणेश जी के बारे में आज कुछ गुप्त और रोचक बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, लंबोदर, वक्रतुंड आदि कई विचित्र नामों से पुकारा जाता है। जिनके विचित्र इनके नाम हैं, उतने विचित्र इनसे जुड़ी कथाएँ भी हैं। अनेक धर्मों में भगवान श्री गणेश की कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में भगवान श्री गणेश से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर एक पर दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखिया जया और विजया ने दिया था। जया और विजया ने पार्वती से कहा था कि नंदी आदिगण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। इसी प्रकार विचार आने पर माता पार्वती ने अपने शरीर के मेल से श्री गणेश जी की रचना की। दोस्तों नंबर दो पर है, विष्णु पुराण के अनुसार श्री गणेश जी शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री कृष्ण को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वो जड़ रहित, 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसे 101 या 121 दुर्वा से श्री गणेश जी की पूजा करना चाहिए। नंबर तीन, ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नाम का व्रत किया था और इसी व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। नंबर चार पर दोस्तों, सभी देवी देवता श्री गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव नीचे सिर करके खड़े थे। माता पार्वती के पूछने पर शनिदेव ने कहा कि माता, मेरे द्वारा देखने पर आपका पुत्र का आयुध हो सकता है, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और शनिदेव से कहा कि आप आशीर्वाद जरूर दें। जब शनिदेव ने बालक की तरफ देखा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। दोस्तों नंबर पाँच पर, जब शनिदेव द्वारा देखने पर माता पार्वती के पुत्र का मस्तक कट गया तो भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और पुष्प भद्रा नदी के तट पर हाथिनी के साथ सो रहे एक गज बालक का सिर काट कर ले आए और उस गज बालक का सर श्री हरि ने माता पार्वती के जो विहीन मस्तक विहीन जो पुत्र था उसके धड़ पर रखकर उसके पुनर्जीवित किया। दोस्तों एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया था और इसी प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए थे और सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो शिव जी को श्राप दिया था कि जैसे तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र के शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। और इसी श्राप के कारण भगवान श्री गणेश जी के मस्तक कटने की घटना हुई। और एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी, उसी समय वहां गणेश जी भी तप कर रहे थे और श्री गणेश जी को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश जी से कहा, आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन गणेश जी ने विवाह करने से इनकार कर दिया और क्रोधवत तुलसी ने श्री गणेश जी को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। दोस्तों ये थी गणेश जी से जुड़ी कुछ गुप्त और रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।